नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आप सभी को वैसे बहुत सारा जो है वो पता पड़ ही गया होगा कि पटवारी में किस तरीके से जो है वो फर्जीवाड़ा हुआ है, और अगर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है तो आपने भोपाल सर का वीडियो देखा होगा जिसमें आपने देख रहे हो यहाँ पर पटवारी फर्जीवाड़ा सभी टॉपर्स के समान अंक कैसे हैं। समान अंक, और ये बात देखने को मिलती है कि समान अंक छोड़ो लेकिन इतने नंबर लाना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और वो भी जो है वो एक दो महीने में, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी जो है वो सिलेबस हमें चेंज देखने को मिला। और आपको पता हो तो एक महीने पहले ही जो है वो किसी भी पेपर का जो है वो नोटिफिकेशन जारी होता है और तभी हमें सिलेबस का पता पड़ता है। और उसी तरीके से आप ये पारा पूरा वीडियो देखिएगा और सर को सपोर्ट कीजिएगा। देखिए, आपकी ज़रूरत है और आपको ही ये सब सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये फर्जीवाड़ा आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, जैसे कि ग्रुप फोर की और आगे जो एमपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, एसआई का हो गया, ठीक है, ये आगे जो है वो भर्तियों में फर्जीवाड़ा देखने को मिल सकता है और ज़रूर ही है। अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और तो इन सर ने जो है वो पूरी जानकारी दी है, हर एक के जो है वो स्कोर कार्ड जो है वो दिखाए हुए हैं, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब फर्जी हों, ठीक है ना। उन्होंने बोला हुआ है कोई भी न्यूज हो या कोई भी उनसे कोई भी जानकारी चाहता है तो वो उनसे ले सकता है, वो जो है वो प्रूफ के साथ वो जानकारी देंगे। तो यह पूरी जानकारी जो देख रहे हो यहाँ पर, ये सभी के बारे में जो है वो सर ने बताया हुआ है। तो ये आपके भविष्य का सवाल है। जो इंसान चार चार पाँच पाँच सालों से पढ़ रहा है और उसके जो है वो नंबर 140 145 नंबर आते हैं और उन्हें जो है वो नंबर कम करके जो है वो बाहर कर दिया जाता है, समझे, बाहर कर दिया जाता है। और ऐसे विद्यार्थी जिनके एक साल पहले जो है वो आधे नंबर भी नहीं आते थे, आधे नंबर आते हैं और वो एकदम से टॉप कर जाते हैं। और व्यापम ने अभी तक जो है वो टॉप 10 की लिस्ट जारी नहीं की है। क्यों नहीं की है? बाकी सभी जितने भी परीक्षाएं होती हैं उन सब की जारी कर देता है, लेकिन पटवारी की अभी तक जो है वो उन्होंने टॉप 10 की जानकारी नहीं की है। तो इन सब की जानकारी जो है वो आपको आरटीआई के तहत जो है वो देखनी पड़ेगी। सर ने बताया है किस तरीके से आपको आरटीआई लगाना है, क्या क्या जानकारी जो है वो आपको वहाँ पर प्राप्त करनी है आरटीआई से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तभी जो है वो आपके आने वाला जो भविष्य रहेगा वो भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप पढ़ते रहोगे और ऐसे लोग जो कमीने लोग हैं वो ज़्यादा नंबर पैसों से या जैसे भी फर्जीवाड़ा करके जो है वो लाएंगे और आप जो है वो बाहर हो जाओगे। आपका मेहनत जो है वो कुछ भी मायने नहीं रखती है, सीधी सी बात है। हर एक विद्यार्थी इतनी मेहनत करता है कि आराम से जो है वो, अब आप खुद सोच सकते हो पटवारी में किसी भी सेंटर से जितने भी रिव्यू होते हैं, जो लोग लाइव रिव्यू लेते हैं वहाँ पर, किसी के नंबर जो है वो ऑन एन एवरेज मान के चले तो 120 से 130 इतने नंबर देखने को मिलते। तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने 140 प्लस पार देखने को मिले, ठीक है ना। मेरे खुद ऐसे फ्रेंड हैं जिन्होंने जो है वो एमपीपीएससी फॉरेस्ट में जो रेंजर की पोस्ट रहती है उनमें जो है वो टॉप किया है अच्छे रैंकों से, उनके नंबर जो है वो 150 नंबर आए पटवारी में, आप समझ सकते हो। तो जो 180 प्लस नंबर ला रहा है, 170 प्लस नंबर आ रहा है, क्या ही समझ सकते हो। देखिए, हर परीक्षा में हर पेपर में जो है वो कम से कम जो है वो 8 से 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप गलत हुए हैं, हुए कि नहीं हुए। और 170 180 प्लस नंबर ला रहा है तो मतलब उसके सिर्फ इतने पूरे के पूरे ही सही होंगे मतलब, और उसके नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में कम कर देते हैं और किसी के बढ़ा देते हैं। तो अब समझ रहे हो, ये वाला देखिए आप, ये जो है वो आप देख रहे हो यहाँ पर, इनका नाम है महेंद्र सिंह राठौर, ठीक है। 100 में से 93 नंबर ला रहे हैं, 93, ठीक है ना। इतना लाना जो है वो, ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा जो है वो फर्जीवाड़ा चल रहा है। और ये आप देखोगे जेल विभाग का है ये, ठीक है, ये जेल विभाग का है, जेल विभाग में जो है। और अब ये देखिए, ये 2018 का है, ग्रुप फोर का अभी पेपर होना है, इसी मंथ होना है, 15 तारीख से स्टार्ट होगा पेपर। और ऐसे लोग अगर वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो आप समझिए कि आपकी मेहनत का क्या ही फल निकलेगा, ठीक है। तो आप जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सर का सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना, आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। और बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो कि कुछ लाखों मिलियन में सब्सक्राइबर लेके नहीं, और हर उनके पोस्ट पर देखने को मिलता है फर्स्ट रैंक, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो है वो लड़ना नहीं चाहते हैं। जो एक्चुअली मेहनत करते हैं विद्यार्थी, उनके कुछ भी समर्थन नहीं मिलते हैं, बस अपने कोर्स बेचने में, अपनी पब्लिसिटी करने में जो है वो पैसा लगाते हैं, समझ रहे हो, न्यूज में एडवर्टाइजमेंट करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली मेहनत कर रहे हैं उनका जो है वो कोई भी नहीं है। आप समझिए कि जिसके जो पढ़ रहा है 140 145 नंबर ला रहा है, ठीक है ना, और उसके नंबर कम कर दिए जाते हैं, उसको बाहर कर दिया जाता है पटवारी से रेस से। अब ये वाला देखिए आप, ये इनका नाम है रिंकू,
ठीक है ना, 200 में से आप देख रहे हो यहाँ पर 170 नंबर लेके आए हैं, नॉर्मलाइज होके नहीं पूरा प्रॉपर, बाकी 167 थे इनके मार्क्स, ठीक है ना। 177 200 में से 170, जिसमें से 8 से 10 क्वेश्चन गलत देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो, तो मतलब आप समझ सकते हो। और इसमें जो है वो सीधा सीधा सा साफ नज़र आ रहा है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है। और ये जो है वो मुरैना जिला हो गया, सबलगढ़ जिला हो गया, सबलगढ़ वाला जो क्षेत्र है मुरैना में पड़ता है, तो सबलगढ़ वाला क्षेत्र जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ग्वालियर का जो NRI कॉलेज है वहाँ पर जो है वो ये फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर ऐसा ही है, अगर इन्होंने ईमानदारी से नंबर लाए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कोई भी जो परीक्षा में फर्स्ट रैंक लाता है, चलो मैं PSC की बात कर लेता हूँ, अगर PSC में कोई फर्स्ट रैंक लाता है, MPPSC की बात की जाए, तो उनका इंटरव्यू होता है कि नहीं होता है? सब लोग जो है वो परीक्षाओं के जो है वो बताया जाता है कि किस तरीके से तैयारी किया किया, लेकिन इनका नाम भाई कहीं भी कोई भी नामो निशान नहीं देखने को मिलता है। ये डर रहे हैं, सीधी सी बात है, इनकी पोल खुलेगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ये सब सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको भी आप सीरियसली जो है वो लीजिए। और व्यापम ने जो भी ये चीज़ें की हैं, और ये सीधा एक तरीके से घोटाला ही है, जाहिर सी बात है, और ऐसी परीक्षाओं में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। पुलिस की ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं होती जिसमें घोटाला नहीं होता है, इतने नंबर लाना हर किसी के पास नहीं है। जो इंसान, जो स्टूडेंट 4 4 5 5 सालों से नंबर लेके आ रहा है, उसके 130 140 150 पर टक रहा है, ठीक है, 150 पर टक रहा है, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं। मैं जिन लोगों को, जिनको जानता हूँ, अच्छे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने PSC तक निकाला है, PSC में अभी अभी इस बार का जो रिजल्ट आया था उसमें जो है वो सिलेक्शन ले लिया है, उनके नंबर जो है वो 150 नंबर हैं, किसी के 152 नंबर हैं, ठीक है, 155 से भी ऊपर नंबर नहीं है किसी के, जो PSC में क्वालिफाई करके जो है वो PSC पूरा जो है वो क्लियर कर चुके हैं, उनके नंबर नहीं है। उनको भाई साहब के देखो 177 नंबर ला रहे हैं। रिंकू नाम भी देखिए, ठीक है, रिंकू सिंह गुर्जर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर ये कितना फर्जीवाड़ा चल रहा है। और आप, हम जैसे जो है वो मेहनत करने वाले जो स्टूडेंट हैं, उनका सीधा सा बात है, उनका पत्ता कट रहा है, ठीक है। अब ऐसे लोग आप समझिए कि ऐसे लोग अगर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वो क्या ही उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो भी फर्जीवाड़ा ही करेंगे, वो भी पैसे कमाएंगे, जितने भी इन्होंने दिए हैं तो वो पैसे तो निकालेंगे ना। तो सीधा सीधा जो है वो आगे जो है वो करप्शन देखने को मिलता है ऐसे ही लोगों से, ठीक है। जो ईमानदारी से मेहनत करके जो जाता है गवर्नमेंट जॉब में, वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं करता है, ना ही रिश्वत लेगा अपनी ईमानदारी के जो है वो पैसा लगा, क्योंकि उसका जमीन ही नहीं बोलता है, क्योंकि वो मेहनत करके आया, उसे पता है कि इस मेहनत की जो जॉब होती है, और कितने लोग यहाँ पर जो पहुँचते हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं, समझ रहे हो, हर किसी के पास नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है वो घोटाला देखने को मिल रहा है हर जगह, हर चीज़ों में। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो सर ने बताई हुई हैं, वीडियो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और इनको देखिए, इन सभी के जो है वो नंबर भी एज इट इज़ जो है वो सर ने बताए हैं कि सबके 177 नंबर ही जो है वो देखने को मिल रहे हैं। ये अब कुछ लोग बोलोगे कि लड़कियों के ऊपर इतना पैसा कौन लगाएगा, ये वो, भाई ये सब चीज़ें फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। आजकल अगर पैसा है, ठीक है ना, पैसा है, और एक ही मान लो लड़की है किसी के पास, और पैसा अनाप शनाप है, तो वो कहाँ पे लगाएंगे, ऐसी जगह लगाएंगे ना, अगर 2 नंबर का पैसा है तो। और जो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो तो मतलब बोलना ही नहीं चाहते, सीधी सी बात है, क्योंकि उनके ऊपर पता है ना कि इतने जो संस्थाएं बड़ी बड़ी खोल रहे हैं, ये बना रहे हैं, टैक्स भरते नहीं होंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, तो उनके ऊपर खुद इंक्वायरी हो जाएगी, तो वो भी चुप बैठे रहते हैं। लेकिन जो ईमानदारी से काम करता है, जो डरता नहीं है, सीधी सी बात है, वो ही जो है वो ये मुद्दे उठाते हैं। आप सभी का रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। इतने नंबर ला के आप समझिए कि जो अधिकारी लेवल की पोस्ट है वो नहीं लेना चाहता, पटवारी के लेना चाहता है, समझिए आप। तो ये सारी की जानकारी जो है वो सर ने बताई है। और RTI में देखिए क्या करना है आपको, RTI में टॉप 100 जितने भी हैं, टॉप 100 स्टूडेंट हैं, उनके नाम जो है वो आपको लगानी है। और टाइम ड्यूरेशन, कितने समय में उन्होंने पेपर जो है वो सॉल्व किया है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इन सब में पर्टिकुलरली जो है वो सब्जेक्ट में कितना कितना इन्होंने टाइम इन्वेस्ट किया है, या बात की जाए कितने समय में इन्होंने हल किया है, कि भाई मैथ्स कितने समय में हल किया है, हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, इन सब के बारे में जो है वो आपको जानकारी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। और रिकॉर्डिंग भी जो है वो सर ने कहा है कि रिकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग जो है वो होती है, सभी जगह कैमरा लगे रहते हैं, और बोलते भी हैं कि कहीं कोई भी पाया जाता है तो रिकॉर्डिंग कैमरे की निगरानी में है आप, ये सब, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको RTI, जितना से ज़्यादा ज़्यादा हो RTI आप लगाइए, बहुत सारे वीडियो जो है वो आप RTI के मिल जाएंगे, किस तरीके से आपको RTI लगानी है, समझ गए।
लगानी है, ये आपके हित के ही है। आप अभी सोचोगे कि हाँ हो गया, ये तब आपकी बेवकूफ़ी होगी, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते फिर आगे वाले हैं ना। अब आप ये वाला देखिए, इंसान ने जो है वो बताया, ये 2017 का है, ठीक है ना। 2017 में आप देखोगे, यहाँ पर 2017 का है, ये पटवारी का पेपर है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इनके मार्क्स जो है वो 100 में से 42 नंबर है, नॉर्मलाइज होके 38 नंबर हो चुके हैं, और इनका नाम है गजराज सिंह, ठीक है। और आगे देखिए फिर, ये गजराज सिंह, ये अलग हैं, ब्रजपाल सिंह है, ठीक है। ये है गजराज सिंह। उसके बाद देखिए, ये देखिए 95 हो जाते हैं सीधे सीधे। ऐसा क्या हो रहा है भाई, 95 जिसके आज 100 में से आधे नंबर भी नहीं आ रहे, उसके 95 हो रहे हैं सीधे सीधा। तो सीधे सीधे समझ में आ रहा है। अब इसके चक्कर में जिन लोगों ने 2018 में जो ग्रुप 4 की भर्तियां हुई थी, जो असिस्टेंट ग्रेड की, ये देखिए ये असिस्टेंट ग्रेड 3 का ही है, ठीक है ना। ग्रुप 4 जो अभी एग्जाम होने वाला है, तो इसमें भी आपको ऐसे ही भर्तियां देखने को मिलेंगी। फिर किसी किसी के 90+100 नंबर से, 100 नंबर के पेपर में 95 नंबर, मतलब 5 ही क्वेश्चन आपके गलत हुए। ऐसा क्या पढ़ रहे हो भाई, सभी सब्जेक्ट में मतलब फुल में से फुल मार्क्स ला रहे हो आप, कोई नहीं ला सकता। कोई टीचर भी होगा ना, तब भी उससे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और एक अब एक टीचर या टीचर जो पढ़ाता होगा, वो एक हाथ दो विषय तीन विषय में जो है वो फुल मार्क्स ला सकता है, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 विषय में। लेकिन एक ना एक ऐसा सब्जेक्ट उसका वीक होगा ही, जिसमें जो है वो उसके नंबर आराम से जो है वो कटेंगे, समझ रहे हो। ये देखिए आरजू जैन, ये भी जो है वो बात की जाए तो ये मत्स्य निरीक्षक वाला, ये भी भर्ती में, ये इन सब में भी घोटाला हुआ है, ठीक है। इनके भी देखिए 95 मार्क्स, सबके जो है वो 90+ मार्क्स देखने को मिलेंगे, और सबके 5-5 नंबर कम है। ये देखिए 100 में से 61 आए भाई साहब के, ठीक है। और देखिए ये भी 47 मार्क्स आए हैं, वही हैं, सेम ही है, ठीक है। लेकिन आगे चलोगे आप देखो, यहाँ पर ये साइन आप देख रहे हो वही है, 95 एकदम से देखिए यहाँ पे बढ़ गए। भाई ऐसी कौन सी जड़ी बूटियाँ खाते हो कि एकदम से सीधा सीधा डबल नंबर हो रहे हैं। इम्प्रूवमेंट की भी हद होती है किसी भी चीज़ की। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को गोपाल सर को जो है वो सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, इससे इस सब का जो है वो पर्दाफाश हो। और जो हकदार हैं, दरअसल जो हकदार हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके कमेंट आ रहे हैं, और जो स्कोर कार्ड शेयर कर रहे हैं, सर मेरे जो है वो 136 थे और मेरा नहीं हुआ है क्योंकि नंबर कम कर दिए गए, ठीक है। किसी के 140 थे, किसी के 149 थे, उसके सीधे सीधे 7 नंबर कम कर दिए, तो उसको भी बाहर कर दिया रेस से। अब समझ रहे हो, जो मेहनत करके इतने नंबर ला रहा है, एक्चुअली जो है मेहनत कर रहा है ना, वो अपना जो है वो समझ सकता है कि इतने नंबर कोई भी नहीं ला सकता, 180+ या 170+, ठीक है। तो यही रिक्वेस्ट है आप सभी से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। और ये देखिए ये 2018 ही का है, ये 2018 का 93 नंबर लाया है ये, ठीक है, आशीष भावर। तो अब आप क्या समझ सकते हो, आगे भी जो भर्ती है उसमें भी यही हो सकता है। लेकिन अगर एक परीक्षा से पर्दा पास उठ गया ना, तो आगे आने वाले जितने भी पेपर होंगे उनकी सुधर जाएगी। वो जो मेहनत कर रहे हैं रियल में, जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी को उनका हक मिलेगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ये लोग ज्वाइनिंग लेके निकल जाएंगे, और आप लोग वहीं के वहीं रह जाओगे, ठीक है। और अगर ऐसे ही ये टॉपर है ना, तो आ जाएं अपना इंटरव्यू दें। और एक बात मैं बोलना चाहूँगा, टॉपर चलो ठीक है, इंटरव्यू दें, और वही पेपर जो तो पेपर उन्होंने दिया है उसी को सॉल्व करें दोबारा से, ठीक है। अभी पेपर आ चुका है, देख लिया है उन्होंने, फिर भी वो सॉल्व करके बता दे, तब भी उतने नंबर नहीं ला पाएंगे वो। और जो 140-150 नंबर लेके आ रहा है, वही पेपर दे दिया जाए तो उसमें वो अच्छा स्कोर कर दोगे। और क्योंकि उसको अपनी गलतियों का एहसास होगा, उसने भी देखा होगा पेपर, वो ज़्यादा अच्छे नंबर लाएगा। लेकिन जो फर्जीवाड़ा करने वाले होंगे, जिनके 170-180+ नंबर आए हैं, उनको वही पेपर दे दिया जाए ना, तो वो भी सॉल्व नहीं होगा उनसे, सीधा सा समझ में आता है, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, RTI लगाइए, टॉप 100 स्टूडेंट की जितनी भी लिस्ट है कि भाई कितने कितने टॉप 100 हैं, किन किन के नाम है, सभी के जो है वो आपके पास आना चाहिए। RTI लगाने में कुछ आपका नहीं जा रहा है, ठीक है। ये आने वाला आप इतने पेपर, आने जाने का खर्चा, ये सब जो करते हो, लेकिन इन सब के लिए भी आप जो है वो आप ही सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये आपका ही भविष्य का सवाल है। चलिए फिर मिलते हैं, सर की जो प्रोफाइल है वो मैं लिंक लिस्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ पर कोई भी जानकारी हो आपके पास, कुछ भी ऐसा हो, तो उनको शेयर जरूर कर देना।
ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, जहाँ से जो है वो आपको सारी जानकारी जो है वो अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा होता है, कुछ भी आपको दिखाई देता है, तो सर को जो है वो साझा कीजिएगा अपनी जानकारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।